A very good afternoon to all of you. Today we will see our next chapter, that is distillation. So all we know about a little much about what is the distillation, what is the process of distillation, and what are the requirement or what is the apparatus which required for the distillation process. Here we will see a detail things, detail apparatus, detail methods about what is distillation process. So in that first, distillation is the process of converting liquid into vapors by heating and reconverting it again into liquid by condensing the vapors. डिस्टिलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद, और भी वेपर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ हीटिंग, हीट प्रोवाइड करने की मदद से जो हमारा लिक्विड है वो उसको हीट अप्लाई करने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। फिर हम उन वेपर्स को कलेक्ट करके उनको कंडेंस करते हैं, तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। सो इट इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस विच डिफर इन देयर वेपर प्रेशर। सो ये क्या है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जो सेपरेट करता है ऐसे सब्सटेंस को जिनके वेपर प्रेशर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसका कम वेपर प्रेशर रहेगा वो जल्दी से क्या होगा, फिर उसके वेपर्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस, सो इन दैट द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। So in that, first one is simple distillation, second one is distillation under reduced pressure, third one is fractional distillation, fourth one is steam distillation, and fifth one is destructive distillation. So if you see the simple distillation, it is a process of converting a liquid into its vapor in a distillation still, transferring the vapor into another place and condensing it again into liquid. तो ये जो प्रोसेस है, मैं बार बार आपको आपकी जो लेबोरेटरी है उसमें आपको मैंने बार बार बताया है कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या उसका अपरेटस होता है। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसीजर होती है, जिसमें जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर लिक्विड लेके उसको हीट किया, हीट करने के बाद में उसको जो वेपर्स फॉर्म हुए, फिर वो वेपर्स जो है वो निकल कर कंडेंसेशन जो कंडेंसर है वहाँ पर आए, फिर वहाँ पर वो कूल हुए, कूल होने के बाद में हमने उसको एक अलग अपरेटस में उसको कलेक्ट किया। तो इस तरह से ये सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये यूजुअली हम लेबोरेटरी स्केल के ऊपर यूज़ करते हैं, यानी कि जो मतलब सिर्फ जो लेबोरेटरी स्केल होती है हमारी, यानी कि ऐसे काम जिसको हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, जिस छोटी रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। सो apparatus used for distillation scale, for laboratory scale, apparatus used for laboratory scale, it consists of distillation flask, that is distillation flask with a side arm sloping downward which is connected to a condenser. तो ये है इसका side arm। तो यहाँ पर अगर इस तरह से नहीं भी रहा तो हम उसको साइड से हमारा जो बेंट पाइप होता है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर उन्होंने थर्मोमीटर दिया, ये थर्मोमीटर किस लिए, ताकि हम उसमें टेम्परेचर नोट कर सकें कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर जो हमारा सैंपल है उसका टेम्परेचर कितना है। उसके बाद में द कंडेंस वेपर आर कलेक्टेड इन अ फ्लास्क और रिसीवर, द होल लेबोरेटरी इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर सिंपल प्रोसीजर है कि यहाँ पर लिक्विड होता है जो कि वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर वो वेपर एक पाइप के थ्रू कंडेंसर में जाते हैं जहाँ पर वो कंडेंस होते हैं, फिर उसके बाद में उनका देन इट इज़ रिकन्वर्टेड इंटू लिक्विड विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। सो नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इन फार्मेसी। सो देर आर वेरियस एप्लीकेशन विच इज यूज एज अ सिंपल डिस्टिलेशन। इन दिस इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। इसकी मदद से हम जो डिस्टिल वाटर है वो और जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेनी वोलेटाइल ऑयल्स एंड एरोमेटिक वाटर्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन। तो जैसे कि हमने हमारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि इसमें एक मेथड ये भी है कि जिसकी मदद से हम जब हम एरोमेटिक वाटर्स या वोलेटाइल ऑयल्स को प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी मेथड एक डिस्टिलेशन की भी उसमें एक मेथड है। अगर आपने अपने प्रैक्टिकल्स में ध्यान से सुना होगा तो वहाँ पर हमने इस प्रोसीजर को रिपीट या समझा है वहाँ पर। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन। तो इस मेथड से जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो भी डिस्टिल या प्योर प्योरीफाइड हो सकते हैं। मेनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, एग्जांपल स्प्रिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड
एरोमेटिक स्प्रिट ऑफ अमोनिया। तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकल है जिसको हमने डिस्टिलेशन की प्रोसेस से प्रिपेयर किया है। सो मेनी ऑफिशियल कंपाउंड्स हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड सच एज अल्कोहल एंड ईथर। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक फेस वोलेटाइल लिक्विड की है और एक फेस नॉन वोलेटाइल लिक्विड की है, जैसे कि ईथर क्या है नॉन वोलेटाइल लिक्विड और जो अल्कोहल है वो वोलेटाइल लिक्विड है, तो इस दोनों की फेस को अगर हमको सेपरेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट इट। सो नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। सो वॉट इज द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर? तो यहाँ पे वो हम देखेंगे तो थ्योरी, द लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि क्या कि लिक्विड कब बॉयल होता है? जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तब उस वो जो लिक्विड है वो क्या होता है? बॉयल होता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड मे बी लोअर टू द डिजायर टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इट्स सर्फेस। यानी कि क्या कि जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, अगर हमको उसको हम लोअर करेंगे डिजायर टेम्परेचर के ऊपर बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इट्स सर्फेस, तो हम क्या करेंगे? जो सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर को रिड्यूस करके क्या करेंगे? सरफेस के ऊपर से प्रेशर रिड्यूस करके हम उसका डिजायर टेम्परेचर के ऊपर उसको हम रख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम बताई है, उसको हम पहले थ्योरी समझने के बाद हम डायग्राम समझेंगे। तो यहाँ पर एपरेटस यूज फॉर लेबोरेटरी स्केल, सो इट कंसिस्ट ऑफ डबल नेक डिस्टिलेशन फ्लास्क नोन एज क्लेसन फ्लास्क। यानी कि क्या कि डबल नेक इस तरह से उसको फ्लास्क लगता है जिसको हम क्लेसन फ्लास्क बोलते हैं। इसमें कि पिंच कॉक होता है जो कि वैक्यूम अंदर जो है, जो वैक्यूम जो प्रेशर है उसको वो हम इससे मेंटेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस लिए? टेम्परेचर नोट करने के लिए। वन ऑफ इट्स नेक टू थर्मोमीटर इज फिटेड इन द सेकंड नेक इज कैपिलरी ट्यूब विच इज फिटेड टू प्रिवेंट्स बंपिंग ऑफ द हीट लिक्विड। यानी कि इस लिक्विड में जो भी बंपिंग होती है, यानी जो क्रैकिंग वगैरह की नॉइज होती है वो अवॉइड करने के लिए इसमें ये रॉड होती है स्टर की। उसके बाद में द कैपिलरी ट्यूब शुड बी सो फाइन एज टू परमिट ओनली अ स्लो स्ट्रीम ऑफ बबल विच कैन बी कंट्रोल विद अ पिंच कॉक। यानी कि इसमें जो भी बबल आएगा वो इतना फाइन होना चाहिए कि अगर छोटा सा भी बबल रहे तो वो इसके जरिए हम इसको यहाँ से निकाल सके। थिक वॉल्ड ग्लास अपरेटस विद इंटरचेंजेबल स्टैंडर्ड ग्लास जॉइंट आर यूज फॉर वैक्यूम डिस्टिलेशन। द क्लेसिन फ्लास्क इज कनेक्टेड टू अ रिसीवर थ्रो कंडेंसर। यानी कि क्या जो क्लेसिन फ्लास्क है उसको हम रिसीवर के थ्रो कनेक्ट करते हैं कंडेंसर से, और कंडेंसर जो है वो कनेक्ट होता है एक बेंड पाइप से जो कि यहाँ से इसको वैक्यूम पम्प लगा होता है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूम पम्प लगा होता है, जो वैक्यूम पम्प क्या करता है फिर उसको सक करता है यहाँ से इसका, और जैसे ही वो सक करता है तो यहाँ का फिर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है अंदर अंदर क्या होता है? फिर प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो ये असेंबली सेम है, अगर हम इस असेंबली में भी यहाँ पर सिर्फ अगर वैक्यूम पम्प लगा देते हैं और ये पिंच कॉक इसमें ऐड करते हैं तो पूरी असेंबली फिर एज इट इज़ सिमिलर है, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जो दो टाइप, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस आपको पता है, उसमें बस आपको दो चीज़ें ऐड करनी है, एक पिंच कॉक वाला और एक वैक्यूम पम्प, बस इतना डिफरेंस है सिंपल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के अंदर। सो इसके एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग थर्मोलाइबल कंस्टिट्यूएंट विच आर सब्सटीट्यूट टू हीट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर डिस्ट्रक्शन। यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि थर्मोलाइबल होते हैं यानी कि हीट सेंसिटिव होते हैं, जिनको ज़्यादा हीट के ऊपर अगर हम डिस्टिल करते हैं तो वो उनकी इफ़िकसी वहाँ पर खो सकते हैं या फिर वो डिग्रेड हो सकते हैं, तो इस तरह के मटेरियल को हम इस तरह की मेथड से डिस्टिल कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस विच अंडर गो डिकम्पोजिशन वेन हीटेड अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिकम्पोज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या उनकी फिकसी चली जाती है, उस तरह के सब्सटेंस को हम इस तरह की मेथड से यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर ऑप्टेनिंग अ लाइट पोरस मास एंड डिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड एक्सट्रैक्ट। यानी कि लाइट एंड पोरस मास आने के लिए हम इस तरह की मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से था डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। उसके बाद में हम देखेंगे वैक्यूम स्टिल। सो वैक्यूम स्टिल क्या है? सो द वैक्यूम स्टिल आर एम्प्लॉयड फॉर डिस्टिलिंग सब्सटेंस अंडर रिड्यूस प्रेशर ऑन लार्ज स्केल। अ टिपिकल वॉल्यूम स्टिल इज शोन इन फिगर। ये देखो यहाँ पर डायग्राम है, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा क्रिटिकल डायग्राम दिख रही है। इसलिए वैक्यूम स्टिल मतलब क्या कि ऐसी मशीन जो कि सक करेगी वहाँ से, प्रेशर क्रिएट करेगी वो,
तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ये जो चेंबर है पहले हम इसका थियरी पढ़ते हैं फिर हम इसके डायग्राम को समझते हैं। सो वैक्यूम स्टील इज जनरली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और एनी अदर मेटल विच कैन विदस्टैंड अ हाई वैक्यूम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैक्यूम हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, उसका सक्शन पावर ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर हम ग्लास के अपरेटस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ज़ोर से सक्शन पावर की वजह से वो अपरेटस वहाँ पर ब्रेक हो सकता है या टूट सकता है या फट सकता है। तो इसलिए हम इस अपरेटस में बजाय यूज़ करने के डिस्टिलेशन फ्लास्क जो कि ग्लास का बना होता है, हम जो यहाँ पर यूज़ करते हैं टैंक वो किस चीज़ से बना होता है, वो बना होता है स्टील से, स्टेनलेस स्टील से या फिर एनी अदर मेटल से जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्ट हो सके। सो द स्टील इज़ कनेक्टेड टू अ कंडेंसर। अभी देखो ये जो स्टील है यानी कि ये जो टैंक है ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, ये है सिंपली आपका कंडेंसर। अभी ये टैंक बड़ा है इसलिए ये जो कंडेंसर है ये भी बड़ा है, यहाँ पर जो कंडेंसर है वो छोटा है ये वाला। तो ये सिंपल कंडेंसर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ से जो वेपर जाएंगे वो वेपर इस तरह से जिगजैग होके यहाँ से दो वॉल में डिफ्रेंशिएट होके यहाँ से आएगा, लेकिन ये जो साइड उस पाइपिंग की जो साइड का जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, वाटर यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा, जिस तरह से यहाँ पर वाटर इन होता है और यहाँ से आउट होता है। ये किस लिए होता है, ताकि ये हमारे जो वेपर से इसको कूल कर सके वहाँ पर। इसलिए तो क्या होता है फिर, यहाँ से जो वेपर बनेंगे वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से क्या बोले उन्होंने, टू वैक्यूम रिसीवर्स यानी कि वो जो पाइप है फिर वो दो तरह की फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा जिसको दो वैक्यूम पंप लगे होंगे। अब दो वैक्यूम पंप इसका मतलब आप समझो, आपकी दो वैक्यूम पंप है इसका मतलब ये कि अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और फिर हम इसको दो वैक्यूम पंप की मदद से इसको सक करेंगे और लिक्विड को हमारे हम वहाँ से आइसोलेट करेंगे। सो द वैक्यूम स्टील इज फील्ड बाय अटैचिंग अ पाइप टू अ टेप इन अ लोअर पार्ट ऑफ द हुड एंड द पंप इज स्टार्टेड। अब ये जो पंप है फिर हम स्टार्ट करते हैं, द अदर एंड ऑफ दैट पाइप dips into the liquid to be distilled so that it can be withdrawn into the still. The observation window in the hood is very helpful to the operator to see the progress of distillation and also the level of content of the liquid which to be still. यानी कि ये जो ग्लास है यहाँ पर एक फिट होता है, क्यों, ताकि जो ऑपरेटर है वो अंदर देख सके कि भाई डिस्टिलेशन का प्रोसेस ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसमें लिक्विड कितना बचा है, कितनी क्वांटिटी लिक्विड की बची है और कितनी देर हमको डिस्टिलेशन करना है। तो ये सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर एक ग्लास का विंडो लगा होता है जिससे वो सब कुछ चीज़ें देख सकता है। नेक्स्ट, टू रिसीवर्स जनरली अटैच द कंडेंसर इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डिस्टिलेट विदाउट स्टॉपिंग डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर टू रिसीवर्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं रिसीवर्स को, जहाँ से हम हमारा लिक्विड जो है वो डिस्टिल कर सकते हैं या डिस्टिलेट जमा कर सकते हैं। सो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इन फार्मेसी के अंदर डिस्टिलेशन ऑफ सब्सटेंस दैट हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इस तरह के मटेरियल्स को हम इस तरह की मेथड से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन ऑफ थर्मोलाइबल सब्सटेंस दैट गेट डैमेज बाय द हाई टेम्परेचर, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर डैमेज हो सकता है, तो हम उसको यहाँ पर डिस्टिलेट कर सकते हैं। सो रिमूव ऑफ लॉस्ट ट्रेस ऑफ अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी कि क्या कि पूरी तरह से वोलेटाइल सब्सटेंस को आइसोलेट अगर हमको करना है, उसमें कुछ भी हमको 1% भी वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट रखना नहीं है। तो इस तरह की मेथड को यूज़ करके हम वोलेटाइल को रिमूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट इज डिस्टिलेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड भी हम उसको बोलते हैं। सो उसकी थ्योरी क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज लोअर्ड, यानी ये क्या कि अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर एक सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। सो व्हेन टू मिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर ईच विल एक्ट एज अ सोल्यूट और सॉल्वेंट फॉर द अदर, यानी कि क्या कि अगर आप दो लिक्विड को आपस में मिलाते हो तो उससे क्या होगा कि एक एज अ सॉल्यूट फेस एक्ट करेगी और एक एज अ लिक्विड फेज एक्ट करेगी। सो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू सच लिक्विड इज हीटेड द वेपर प्रेशर ऑफ ईच इज लोअर्ड, यानी कि क्या कि अगर हमने उस दोनों चीज़ों यानी दो लिक्विड जो हमने आपस में मिलाए हैं और उसको हमने अगर हीट किया
तो उसका क्या होता है, वेपर प्रेशर एक दूसरे का क्या होगा फिर, इज लोअर्ड. सो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ईच लिक्विड इन द मिक्सचर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर. अब जो प्रेशर है, जो दो लिक्विड है वो अलग अलग प्रेशर जनरेट करेगी वहाँ पे, और उस पर्टिकुलर अलग इनिशियल उनका जो टेम्परेचर होगा, उनका जो प्रेशर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल प्रेशर. सो द लिक्विड बॉयल्स व्हेन द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और फिर वो लिक्विड कब बॉयल होता है, तब जब वो जो पार्शियल प्रेशर है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तब लिक्विड बॉयल होता है. द वेपर्स अराइजिंग फ्रॉम टू मिसिबल लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट इज रिचर इन द कम्पैक्ट एक्सर्टिंग टू द ग्रेटर पार्शियल प्रेशर. मतलब क्या, जो वेपर्स है दो मिसिबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है द कंपोनेंट एक्सर्टिंग द ग्रेटर पार्शियल प्रेशर. यानी कि क्या, कि उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, हम ऐसे बोलेंगे. कब, जब अगर दोनों के वेपर्स अगर हमको वहाँ पर मिल रहे हैं तो. सो यहाँ पे क्या होगा, अपरेटस यूज फॉर लेबोरेटरी स्केल. सो द अपरेटस यूज फॉर लेबोरेटरी स्केल इट इज शोन इन फिगर नंबर 11.4. सो हम इसकी यहाँ पे फिगर देखेंगे तो इस तरह से ये डायग्राम आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे. सो पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर इसके बाद में इसकी डायग्राम को समझेंगे हम. सो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेट फ्लास्क एंड द कंडेंसर. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज फॉर कंटिन्यूस सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो दो मिक्स किए हुए लिक्विड है उसको आप सेपरेट कर सकते हो. अब ये सेपरेट किस बेसिस पे होता है, क्यों, क्योंकि जो दोनों का जो दो लिक्विड है इसका मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है. तो इसका मतलब ये कि जिसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा तो वो सबसे पहले इवेपोरेट होगा. तो सबसे पहले इवेपोरेट हुआ इसका मतलब क्या, कि दोनों का फिर क्या होगा, सेपरेशन. तो इस तरह से सो लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज फॉर द मिक्सचर वेयर द बॉइलिंग पॉइंट इज क्विट क्लोज टू द ईच अदर. एंड शॉर्ट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज फॉर दोज केसेस वेयर देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड. सो इन द फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन द मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड इज हीटेड इन स्टील. यानी कि क्या, कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके प्रोसीजर में क्या है, कि जो मिक्सचर है इमिसिबल लिक्विड का वो स्टील के अंदर हीट होता है. उसके बाद द वेपर्स फॉर्म्स आर अलॉट टू पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. और जो फिर वो जो वेपर्स बनेंगे वो कहाँ पर जाते हैं, यानी कि क्या, देखो पहले हम यहाँ पे मिसिबल लिक्विड यहाँ पे बॉइल होता है और बॉइल होने के बाद इसके वेपर्स जो है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जाते हैं. देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला है मतलब फ्रैक्शनेटल कॉलम आ गया वहाँ पे, और वैक्यूम स्टील बोला है मतलब स्टील का टैंक आ गया वहाँ पर. और इसी तरह से उन्होंने अगर बोला कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो वहाँ पर इस तरह का कॉलम, वहाँ पर सिर्फ वैक्यूम ऐड हुआ है. और जो सिंपल डिस्टिलेशन मतलब क्या, हमारी सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस. तो आपको इसको नाम से याद रखना है कि क्या होता है, और एपरेटस याद रखना है, जिसकी वजह से आप फिर, अगर आपको एपरेटस याद रहेगा तो इसका मतलब आपको उनकी थ्योरी, उनके एपरेटस और उनका प्रोसीजर भी आसानी से याद रहेगा. सो यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, आगे उसके ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ होता है, और साइड से एक ट्यूब होती है, बेंड ट्यूब या बेंड पाइप जिसको हम बोलेंगे, जिसको कंडेंसर और कंडेंसर से रिसीवर होता है, जो कि उस लिक्विड को क्या करता है, जो डिस्टिलेट है उसको कलेक्ट करता है. तो इस प्रोसीजर में आपको ध्यान रखना है कि इसमें वैक्यूम हम यूज़ नहीं करते. तो इस तरह से ये प्रोसीजर थी. उसके बाद में हम जो देखेंगे वो ये है कि भाई इसके एप्लीकेशन क्या क्या है. सो अल्कोहल इज़ प्यूरिफाइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन टैंक. यानी कि फर्मेंटेशन में जब क्या होता है कि इसमें वाटर भी होता है और अल्कोहल भी होता है, जो कि आपस में मिक्स होता है. लेकिन अगर हमको उस पर्टिकुलर टैंक से अल्कोहल को आइसोलेट करना है, तो फिर हम इस मेथड का यूज़ करेंगे जिसमें क्या है, अल्कोहल वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि ईजिली इसके वेपर्स बन सकते हैं. तो यहाँ पर फिर क्या होगा, अल्कोहल आइसोलेट ईजिली हो सकता है. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड सच एज अल्कोहल इन वाटर, एसीटोन इन वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. तो इस तरह के दो कॉम्बिनेशन वाले सॉल्यूशन अगर रहे, तो इस तरह के सॉल्यूशन से अगर हमको दोनों को सेपरेट करना हो, तो हम इस तरह के मेथड को यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद में है स्टीम डिस्टिलेशन. सो स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, कि when two immiscible liquid are heated together
देन द मिक्सचर बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि क्या, अगर दो इमिसिबल लिक्विड, ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते जैसे कि ऑयल और वाटर, सो अगर हमको इनको बॉयल करना है तो सम ऑफ, तो कौन सा पहले बॉयल होगा जिसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सिमिलर रहेगा. यानी कि दोनों में से जो पहले वेपर प्रेशर की वेपर जिसके फॉर्म होंगे तो वो पहले वहाँ पर उसके वेपर बनेंगे, फिर कंडेंस होगा और इस तरह से वो आइसोलेट होगा. सो ये इसमें इस तरह से इसकी प्रोसीजर है. तो इसको हम जो है, सो ये जो प्रोसेस है स्टीम डिस्टिलेशन की, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि जो दो, अभी ये जो प्रोसीजर थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, इसमें हम दो मिसिबल यानी कि ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स है, मिक्स होते हैं और उनको हमको निकाल, जैसे कि वाटर और अल्कोहल, ये दो ऐसे लिक्विड है जो हम आपस में मिक्स करेंगे तो इजीली मिक्स हो जाते हैं, है ना. लेकिन वाटर और ऑयल आपस में मिक्स होते हैं क्या? नहीं. उनकी दो लेयर, अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑयल और वाटर रखा तो उनकी दो लेयर अलग अलग आपको देखने को वहाँ पर मिल सकती है. लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर आपको दो लेयर देखने को नहीं मिलती, वो आपस में मिसिबल होते हैं. तो इस तरह की अगर प्रोसीजर, उसमें से क्या होगा फिर, जिसका जो पहले बॉइल होगा, जिसके पहले वेपर क्रिएट होगे, वो पहले वो क्या होगा फिर, वो उसके वेपर बनेंगे और वो कंडेंस होकर आइसोलेट होगा, और जिसके वेपर नहीं बने वो वहीं पर रहेगा. तो इस तरह से दोनों का सेपरेशन यहाँ पर होता है. लेकिन अब ऐसा फेस जिसमें हमको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा फेज जो आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसी प्रिपरेशन जिसमें वाटर और ऑयल आपस में मिक्स हो और उसको हमको आइसोलेट करना है, तो कैसे करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है कि ऑपरेटर्स यूज फॉर लेबोरेटरी स्केल, इट कंसिस्ट ऑफ स्टीम टैंक, स्टीम कैन. तो ये स्टीम कैन है फिटेड विद अ कॉर्क हैविंग टू होल्स, यानी कि फिटेड विद अ कॉर्क जिसके अंदर टू होल्स होते हैं. थ्रू वन ऑफ द होल्स पासेस अ बेंट ट्यूब लीडिंग द स्टीम टू द फ्लास्क कंटेनिंग द नॉन एक्वियस लिक्विड. यानी कि एक बेंट ट्यूब होती है जो कि फ्लास्क में लेकर जाती है, जहाँ पर क्या होता है हमारा सैंपल होता है या फिर लिक्विड होता है. सो कंटेनिंग द नॉन एक्वियस लिक्विड, इसमें हमारा नॉन एक्वियस लिक्विड होता है. दिस ट्यूब शुड रीच ऑलमोस्ट टू द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, यानी कि ये जो ट्यूब है पूरे बॉटम में होती है फ्लास्क के, बॉटम ऑफ द फ्लास्क. अनदर लॉन्ग ट्यूब विच पासेस थ्रू द अदर होल रीचेस ऑलमोस्ट टू द बॉटम ऑफ द स्टीम. तो ये जो दूसरी ट्यूब है वो पूरी स्टीम के बॉटम में होती है. दिस ट्यूब एक्ट एज अ सेफ्टी ट्यूब सो दैट इन केस ऑफ प्रेशर इन साइड द स्टीम कैन बिकम टू मच, इट इज रिलीव्ड बाय फोर्सिंग वाटर आउट ऑफ इट. यानी कि क्या, अगर ये सेफ्टी स्टीम कैन किस लिए है, क्योंकि अगर यहाँ पे वेपर का अगर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट ज़्यादा होता है तो फिर ये टैंक करती है, रिलीव करती है प्रेशर को, इसलिए हम ये स्टीम टैंक को यूज़ करते हैं. सो मोर ओवर व्हेन स्टीम स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सेफ्टी ट्यूब, यानी कि उस सेफ्टी ट्यूब से जब स्टीम आना शुरू हो जाती है, इट इंडिकेट्स दैट द स्टीम कैन बी ऑलमोस्ट एम्प्टी. यानी कि क्या इंडिकेट करती है वो कि स्टीम वहाँ पर, मतलब इस टैंक में स्टीम पूरी तरह से खाली हो चुका है. द डिलीवरी ट्यूब कैरिंग वेपर्स फ्रॉम ईच फ्लास्क इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर टू कन्वर्ट इंटू लिक्विड विच गेट्स कलेक्टेड इंटू रिसीवर्स. यानी कि फिर क्या कि जो डिलीवरी ट्यूब है, यानी कि ये जो ट्यूब कनेक्टेड है, ये क्या करती है वेपर्स को लेकर रिजर्वायर के थ्रू कंडेंसर में लेकर आती है, जहाँ पर वो जो वेपर्स है वो कंडेंस होते हैं और इस तरह से फिर वो रिसीवर के थ्रू डिस्टिलेट हमारा यहाँ पे जमा होता है. सो इस तरह की प्रोसीजर है. उसके एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स. तो ये जो प्रिपरेशन है वोलेटाइल ऑयल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल इन द ड्रग, यानी कि कितना परसेंट वोलेटाइल ऑयल उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में प्रेजेंट है, वो देखने के लिए हम इस तरह की एपरेटस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फॉर इट्स प्रिपरेशन प्योरीफिकेशन विदाउट एनी डिकम्पोजिशन. यानी कि इस तरह की मेथड को हम वोलेटाइल ऑयल का डिस्टिलेशन करने के लिए करते हैं, जिसमें उसका किसी तरह का डिकम्पोजिशन नहीं होता और उसका प्योरीफिकेशन भी वहाँ पर होता है. नेक्स्ट वन वी विल सी द फ्रंट लाइन रिसीवर्स. व्हाट इज फ्रंट लाइन रिसीवर्स? सो इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर. सो फ्लोरेंटाइन रिसीवर आर ऑफ टू टाइप्स. यानी कि जो फ्लोरेंटाइन रिसीवर्स है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जहाँ पर अगर वाटर और ऑयल की अगर दो फेस है और अगर हमको उसको सेपरेट करना है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम फ्लोरेंटाइन रिसीवर्स का यूज़ करते हैं. यानी कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब में या ग्लास के बॉटल में अगर आप पहले ऑयल और वाटर लेते हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें दो अलग अलग लेयर बनती है.
सबसे नीचे जो होता है वो कौन सी लेयर होती है, नीचे वाली ऑयल की लेयर होती है बॉटम के अंदर, और जो ऊपर होती है वो कौन सी होती है, वाटर की, और नीचे कौन सी होती है, ऑयल की। अब नीचे ऑयल की क्यों होती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा होती है, इसलिए ऑयल की डेंसिटी। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि टाइप वन टाइप सेकंड, अब जो फ्लोरेंटाइन है रिसीवर से, उनका क्या काम है कि ये जो दो लेयर है उसको आपस में से सेपरेट करने का काम ये टैंक करते हैं या रिसीवर्स करते हैं। तो उसमें दो तरह के टाइप्स हैं इसके, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑयल हैवियर देन वाटर। यानी कि पहला जो टाइप है वो इसलिए यूज़ करते हैं हम कि ऐसी सिचुएशन आ गई अगर कि जिस सिचुएशन में ऑयल जो है वो हैवियर है देन वाटर, अगर ऑयल हैवियर रहा तो क्या होगा कि जो ऑयल की फेस है वो नीचे रहेगी बॉटम में रहेगी और जो वाटर की फेस है वो ऊपर रहेगी इस तरह से। तो ये वाली फेस ऑयल की रहेगी और ये वाली फेस वाटर की रहेगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है, कैसी, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑयल लाइटर देन वाटर, यानी कि ऑयल जो है उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, तो उसका मतलब क्या रहेगा, जो वाटर की जो लेयर रहेगी वो बॉटम में रहेगी और जो ऑयल रहेगा वो कहाँ रहेगा, टॉप के ऊपर, यानी कि ऑयल के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वाटर की वो उस ऑयल से कम है, सॉरी उस ऑयल से ज़्यादा है, इसलिए जो वाटर है वो नीचे रहेगा और जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से, उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की फेस पर रहेगा। तो अगर इस तरह के दो फेस हमको दिए तो उसके लिए हमको दो टाइप के अलग अलग रिसीवर्स है फ्लोरेंटाइन के, वो अलग अलग रिसीवर ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड और रिक्वायरमेंट हमको यूज़ करना है। सो यहाँ पे देखो उन्होंने दो टाइप के लिए बताया। जो पहला टाइप है तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फ्लोरेंटाइन रिसीवर फॉर ऑयल्स हाइवियर देन वाटर। तो यहाँ पे उन्होंने दो फेस बताई, ये जो उन्होंने डार्क डार्क फेस किया है ये ऑयली लेयर है, और दूसरा लेयर है ये जो पूरा प्लेन बताया ये है एक्वियस, और अपना ये एक्वियस लेयर है। अभी दोनों को हमको सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉर्क फिट है जो कि क्या करेंगे, इसको हम ओपन करके सीधे सीधे यहाँ से ऑयल बाहर सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारा एक्वियस ओवरफ्लो, यानी कि फिर इसमें क्या बचेगा, सिर्फ वाटर। तो इस तरह से फिर हम दोनों चीज़ों को, और यहाँ से हम एक्वियस ओवरफ्लो स्टिल, यानी कि अगर ओवरफ्लो अगर इसमें वाटर का रहता है एक्वियस का, तो फिर हम इसको यहाँ से उसका ओवरफ्लो का, इसका लिमिट है। तो यहाँ से अगर ये ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा रही है, टाइप वन एपरेटस है जिसमें, अगर ऐसा सिचुएशन जिसमें ऑयल बॉटम में है और वाटर टॉप पर है, तो इस तरह का एपरेटस यूज़ करते हैं हम, और यहाँ से फिर हम ऑयल को सेपरेट करते हैं और यहाँ से एक्वियस को। इन द केस ऑफ फ्रंट फ्लोरेंटाइन रिसीवर फॉर ऑयल्स लाइटर देन वाटर, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है और वाटर बॉटम में होता है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह का एपरेटस यूज़ करते हैं। यहाँ से हम जो है वो ऑयली लेयर को ओवरफ्लोइंग, यहाँ से हम इसको सेपरेट करते हैं और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, एक्वियस ओवरफ्लो, यानी कि जो एक्वियस है वो हम यहाँ से आउट करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई डिस्टिलेशन। सो द ड्राई ऑर्गेनिक मैटर इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर इन अ सूटेबल एपरेटस अंटिल ऑल द वोलेटाइल सब्सटेंस आर ड्राइवन ऑफ एंड द रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। द रेसिड्यू इज सब्जेक्टेड टू कार्बोनाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज मेनली यूज इन इंडस्ट्री फॉर ऑब्टेनिंग मेनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट फ्रॉम वुड एंड कोल। तो इस तरह का जो ड्राई डिस्टिलेशन है वो आप वुड और कोल, यानी कि जो ड्राई मटेरियल होते हैं, ड्राई रेसिड्यू होते हैं, वो इस तरह की सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हम जो अलग यहाँ पे डेफिनेशन दिए उन्होंने अलग अलग, जैसे कि भाई प्यूरीफाइड वाटर IP, ये सारी कौन सी प्रिपरेशन है जो कि हम डिस्टिलेशन का यूज़ करके बनाते हैं। तो वो क्या होता है, अभी देखो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्यूरीफाइड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाटर फॉर इंजेक्शन एंड स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, सो हेयर वी विल सी। सो वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड प्यूरीफाइड वाटर। सो ऐसा वाटर जो कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज से जिसमें वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी नहीं होती, उस तरह की प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, प्यूरीफाइड वाटर। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस और एनी अदर सुटेबल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज वाटर फॉर इंजेक्शन। सो वाटर फॉर इंजेक्शन IP क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर होता है, वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैरोजन इज कॉल्ड एज वाटर फॉर इंजेक्शन। यानी कि जो प्यूरीफाइड वाटर है उसी को हम क्या करते हैं फिर उसमें से, और क्या, अभी हमने देखी प्यूरीफाइड वाटर क्या होता है जिसमें नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ नहीं होती,
लेकिन उसी वाटर को हम एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं और उसमें किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरोजन प्रेजेंट है या नहीं इसकी टेस्ट करते हैं हम, उसको फिल्टर करते हैं हम, उसको स्टराइल करते हैं, और ये सब चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसको वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन क्या है, इट इज़ वाटर फॉर इंजेक्शन विच इज़ स्टरिलाइज एंड सूटेबली पैक्ड। यानी कि क्या कि वो जो वाटर फॉर इंजेक्शन है उसको अगर हमने स्टराइल किया, उसको ऑटोक्लेव में स्टराइल किया और फिर उसके बाद में उसको हमको उसको पैक किया और इट कंटेन और वो जो स्टराइल फॉर वाटर है जिसके अंदर हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड किए ताकि उसमें किसी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, उसका पीएच हमने 4.5 टू 7.5 के बीच में मेंटेन किया और उसने वो जो वाटर है वो सारी की सारी टेस्ट जो है वो स्टरिलिटी की उसको कंप्लाई करता है। इट शुड ऑल्सो कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और कितना कार्बन उसमें होना चाहिए उस टेस्ट को भी वो पास करता है। तो उस तरह के वाटर को हम बोलेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन, जिसमें क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्राइड्स, नाइट्रेट, अमोनियम, कैल्शियम, हैवी मेटल्स, तो ये सारी टेस्ट उसने पास करना चाहिए। तो ये सारी टेस्ट किस तरह से करते हैं वो हम हमारे आपके जो सेकंड ईयर के अंदर आपको आपकी नोटबुक के अंदर सॉरी आपकी मैनुअल के अंदर आपको उसका सिलेबस है वो आप देखोगे, आपको प्रैक्टिकल्स है, फिर उसमें आपको समझ में आएगा कि जो टेस्ट है वो किस तरह से हम करते हैं। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन आईपी, तो ये जो उन्होंने डिस्टिलेशन यूनिट बताया है, तो ये जो डायग्राम है वो आप अपने सेकंड ईयर में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मैं आप इसको समझे तो आपने देखा है कि डॉक्टर के पास इस तरह एक साइड में एक असेंबली होती है जिसमें स्टील का इस तरह से जैकेट होता है और उसको इस तरह से कॉक फिट होता है, तो बस ये सिंपल असेंबली है जहाँ से ये वाटर का इनलेट है जिसमें से हम वाटर को यहाँ से वाटर अंदर जाता है और वाटर अंदर जाने के बाद यहाँ पर वो फिल होता है जहाँ पर वो हीट होता है और हीट होने के बाद उसके इस तरह से वेपर्स बनते हैं और वेपर्स बनने के बाद यहाँ पर बॉयलर मतलब क्या, यहाँ पे हीटिंग के लिए हीटिंग कॉइल्स यानी कि जो हमारा हीटर होता है वो फिट होता है जो कि इसको बॉयल करता है। बॉयल करने की वजह से क्या होता है, इसके वेपर्स बनते हैं और वेपर बनने के बाद क्या है, ये बैफल है, यहाँ पे ये बैफल है, तो बैफल की मदद से क्या होता है जो वेपर है वो इसके अंदर आते हैं यहाँ पे बैफल के अंदर, और बैफल में आने के बाद फिर वो यहाँ से इस तरह से बाहर डिस्टिलेट में कलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से वाटर फॉर इंजेक्शन प्यूरिफाइड वाटर के लिए यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है जो कि डिस्टिलेशन है वो ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। थैंक यू।